फ्रेंड्स, मैं हिमांशी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेक्सन लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं टीवी इंडस्ट्री की कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में जिन्होंने रॉकस्टार यानी कि कह सकते हैं हाथ में गिटार लेकर और प्यारे प्यारे गाने गाकर सभी के दिलों में राज किया। जी हाँ, और आज भी करते हुए आ रहे हैं और अपनी खास पहचान बनाई है एज अ रॉकस्टार। रॉकस्टार का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि सीरियल में उन्होंने एक कह सकते हैं सिंगर का रोल अदा किया हो, साथ ही साथ रॉकस्टार वाली जो उनकी स्टाइल, उनका जो फेम उन्हें मिला, कहीं ना कहीं लोग उन्हें एज अ रॉकस्टार जानने लगे और कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलैरिटी उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हमारे लिस्ट में जो नाम शामिल है वो है करण पटेल का। जी हाँ, स्टार प्लस का एक बहुत ही कह सकते हैं पॉपुलर शो रहा था कस्तूरी। जी हाँ, कस्तूरी एक ऐसा शो रहा जिसने सभी के दिलों में खास जगह बनाई। काफ़ी पुराना सीरियल लेकिन आज भी लोग याद करते हैं और इसमें करण पटेल नजर आए थे एज अ रॉक स्टार, यानी कि हाथ में गिटार, इमोशंस और कहीं ना कहीं दर्द भरे गाने गाते हुए नजर आए थे और काफ़ी मस्ती भरे अंदाज में नजर आए थे। और कह सकते हैं एज अ रॉक स्टार करण पटेल ने भी अपनी एक अच्छी छवि बनाई और कहीं ना कहीं उन्हें पसंद भी किया गया। रॉकस्टार कैरेक्टर प्ले करने वाले करण पटेल आज जो है वो नज़र आ रहे हैं स्टार प्लस के बहुत ही पॉपुलर शो ये है मोहब्बतें में। बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले कर रहे हैं, उनके साथ नज़र आ रही हैं टीवी की बहुत ही खूबसूरत अदाकारा दिव्यंका त्रिपाठी। जी हाँ, दोनों की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया जाता है और एज अ रॉक स्टार करण पटेल तब भी थे और आज भी रॉक स्टार से कम नहीं है वो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमारी लिस्ट में नाम शामिल है वो है द वेरी फेमस करण कुंद्रा। करण कुंद्रा रॉकस्टार कहें या नहीं कहें कि ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, चाहे वो बॉलीवुड की बात हो या फिर टीवी शोज में बेहतरीन तरीके से खुद को पेश करने की बात हो। जी हाँ, कितनी मोहब्बत है मैं नज़र आए थे, वो काफ़ी फेम मिला उस शो से। उसके बाद अब बात कर रहे हैं हम करण कुंद्रा के शो ये कहाँ आ गए हम। जी हाँ, इसमें उन्होंने एक फेमस रॉकस्टार का रोल प्ले किया था, बहुत ही ज़्यादा जाना माना चेहरा बने थे इस शो में। साथ ही साथ करण कुंद्रा की फैन फॉलोइंग की बात करें तो बहुत ही लाजवाब है। जी हाँ, रियलिटी शो रोडीज होस्ट करते नजर आए हैं, साथ ही साथ पंजाबी मूवीज में जलवा बिखेरा है। तो रॉकस्टार कैरेक्टर की बात करें टीवी इंडस्ट्री में तो इन्होंने भी वो किरदार निभाया है और काफ़ी फेम पाया है। फिलहाल जो है करण कुंद्रा नज़र आ रहे हैं, अलग अलग इवेंट्स में नज़र आते हैं, साथ ही साथ मूवीज़ में काम करते नज़र आते हैं, वहीं रोडीज़ में भी फेम पाया उन्होंने। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे लिस्ट में जो नाम शामिल है वो है पार्थ समाधान। जी हाँ, पार्थ समाधान जो है वो MTV के शो कैसी हैं यारियाँ। जी हाँ, कैसी हैं यारियाँ में एज अ रॉक स्टार नज़र आए थे और सिंगिंग करते हुए डिफरेंट सॉन्ग्स गाते हुए और साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस नजर आई थी इनके साथ और बहुत ही कह सकते हैं इतना पसंद किया गया कि उसे सीजन्स आए, जैसे कि 1, 2, 3 सीजन्स आए कैसी हैं यारियाँ के। कहीं ना कहीं पार्थ को बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं उनकी गर्ल्स फैन फॉलोइंग बहुत ही हाई है। जिस तरीके से वो गिटार पकड़ते हैं, जिस तरीके की उनकी स्माइल है, जिस तरीके का उनका लुक है, वो कहीं ना कहीं फैंस को काफ़ी पसंद आता है और उनके रॉकस्टार लुक को भी बहुत पसंद करते हैं। और आपको भी ज़रूर याद होगा किस तरीके से उन्होंने नीति टेलर के साथ रोमांस करा ऑन स्क्रीन, और उनकी केमिस्ट्री आज भी काफी ज्यादा हॉट है। जी हाँ, हॉट ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की बात करें तो पार्थ और नीति की जो केमिस्ट्री थी वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत मिस हो रही है और पसंद भी आती है। तो वही खबरों की जैसे जानते हैं आप सभी कि पार्थ जो है वो नजर आ रहे हैं स्टार प्लस के शो, जी हाँ, कसौटी जिंदगी सीजन 2 में एज अनुराग। और जिस तरीके उनका लुक चेंज हुआ है, जैसे आप सभी जानते हैं कि कैसी यारिया में उनका जो लुक था काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश रॉक स्टार, गिटार में हाथ में गिटार लेना हो, गाने गाना हो, लड़की साथ रोमांस करना हो, तो वो सारी अदाएं पार्थ ने निभाई। लेकिन इन दिनों कसौटी जिंदगी सीजन 2 में एज अनुराग काफ़ी सिंपल और काफ़ी कह सकते हैं बहुत ही शांत स्वभाव के नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें पसंद किया जा रहा है, उनका ये किरदार भी लोग काफ़ी सराहा रहे हैं। उनके साथ नजर आ रही है एरिका, दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लग रही है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है ऋत्विक अरोड़ा। जी हाँ, कलर्स टीवी के पॉपुलर शो तू आशिकी में नजर आए ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं रॉक स्टार, इमोशन से भरपूर इनके साथ नज़र आए जन्नत जुबैर रहमानी पंक्ति के रोल में। दोनों की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया, दोनों काफ़ी पसंद किया गया, साथ ही साथ दोनों की कह सकते हैं जो दोस्ती है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली। तो ऋत्विक भी रॉक स्टार वर्ज हमारे लिस्ट है, उनमें इनका नाम भी शामिल है और कहीं ना कहीं इन चारों में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन देखते हैं। तो वहीं
नेक्स्ट जो है वो है सबीर। जी हाँ, सबीर आलूवालिया बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं ये। सबीर नजर आ रहे हैं जी टीवी के पॉपुलर शो कुमकुम भाग्य में एज अभिषेक। जी हाँ, अभिषेक द रॉक स्टार सीरियल में हर कोई जानता है अभिषेक कितना बेहतरीन गाते हैं, किस तरीके से वो गिटार पकड़ते हैं, किस तरीके से उनकी प्रज्ञा के साथ जोड़ी है। प्रज्ञा यानी कि क्षिति झा और शब्बीर की जोड़ी हर कोई जानता है कितनी बेहतरीन है, उन्हें काफ़ी पसंद किया जाता है साथ में, चाहे वो उनका ऑफ स्क्रीन रोमांस हो चाहे फिर उनकी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग ही क्यों ना हो। शब्बीर एक ऐसे कह सकते हैं टीवी एक्टर हैं जो काफ़ी टीवी इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सास की हो या फिर डिफरेंट टीवी शोज में काम करना हो, शब्बीर काफ़ी लंबे अरसे से टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हैं। साथ ही साथ अब वो कुमकुम भाग्य में भी काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, कुमकुम भाग्य काफ़ी पुराना शो हो चुका है और आज भी उसकी टीआरपी अच्छी चल रही है, कहीं ना कहीं उसे पसंद किया जाता है उस शो को। और शब्बीर जिस तरीके से इस शो में एज अ रॉकस्टार रोल निभा रहे हैं, उनका वो चल ही आ रहा है किस तरीके से वो रॉकस्टार का रोल निभाते हैं, उन्हें काफी पसंद किया जा रहा है। तो चलिए, लास्ट जो है हमारी लिस्ट में वो है आप सभी के फेवरेट माहिर यानी कि पल्लवी पुरी। माफ करिएगा, पल्लवी पुरी जो कि बदतमीज दिल में नजर आए थे आप सभी को एज अ रॉक स्टार, आप सभी ने देखा था। माहिर तो जरूर उन्होंने अपना नाम हासिल कर लिया है, जानते हैं आप सभी किस तरीके से उन्होंने माहिर का जो रोल है नागिन 3 में वो किस तरीके से उन्होंने खींचा है, किस तरीके से उन्हें पसंद किया जा रहा है। तो वहीं पल्लवी पुरी भी रॉक स्टार कैरेक्टर निभा चुके हैं। जी हाँ, स्टार प्लस के शो बदतमीज दिल में पल्लवी पुरी ने एज अ रॉक स्टार काफी अच्छा रोल प्ले किया, उन्हें काफी पसंद किया गया। जी हाँ, पल्लवी पुरी की अगर हम लुक्स की बात करें, स्टाइल की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनके लुक्स उनके स्टाइल पर लड़कियां बहुत ही ज़्यादा मरती हैं। भले ही इस शो ने इतनी अच्छी टीआरपी नहीं गेन करी, काफ़ी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन पल्लवी पुरी ने एज अ रॉक स्टार हर तरीके से खुद को काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शाया है, साथ ही साथ उन्हें काफ़ी पसंद भी किया गया है। तो वहीं रीसेंट शो की बात करें तो पल्लवी पुरी नज़र आ रहे हैं कलर्स टीवी के पॉपुलर शो नागिन 3 में। जी हाँ, नागिन 3 में पल्लवी पुरी नजर आ रही हैं और डिफरेंट रोल की बात कर रहे थे हम, इन सभी लोगों ने हर शो में अलग अलग रोल निभाया है, तभी तो आज अपने करंट शो में काफी बेहतरीन काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक वैसा ही पल्लवी पुरी ने भी किया, भले उन्हें पहले के शो से इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली हो, इतनी पहचान नहीं मिली हो, लेकिन इस शो से यानी कि जो नागिन 3 चल रहा है इस शो से हम बिल्कुल यकीन से कह सकते हैं कि पल्लवी पुरी की फैन फॉलोइंग बढ़ी है, साथ ही साथ उन्हें काफ़ी पसंद किया गया है। चाहे उनकी एक्टिंग स्किल की बात करें, बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं वो, साथ ही साथ अगर उनके हम एक्सप्रेशन की बात करें वो भी बड़े बेहतरीन हैं। उनकी कह सकते हैं केमिस्ट्री की बात करें तो जितने भी शोज करे हैं सब में केमिस्ट्री नज़र आई है, कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन नज़र आई है। तो इन सभी में से अगर हम टॉप 2 सिलेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं शब्बीर और पल्लवी पुरी के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन हो सकता है। कहीं ना कहीं करण पटेल भी इसमें अच्छी खासी कह सकते हैं जगह लेते हैं, लेकिन शो काफ़ी पुराना हो चुका है कस्तूरी, लेकिन यह मोहब्बतें बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगर रिसेंट की बात करें तो शब्बीर जो कि कुमकुम भाग्य में बहुत ही बेहतरीन रॉकस्टार का रोल प्ले कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सभी में शब्बीर की बात करें तो आज भी वो रॉकस्टार वाली जो उनकी फीलिंग है वो देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं शो की टीआरपी भी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो वहीं अगर हम पल्लवी पुरी का कंपैरिजन कर रहे हैं तो बता दें आप सभी को पल्लवी पुरी नागिन 3 यानी कि एक ऐसे शो में नजर आ रहे हैं जहां पर उन्हें मेन लीड में मिला है रोल और काफी अच्छी पॉपुलैरिटी मिल रही है, कहीं ना कहीं शो की टीआरपी बहुत मायने रखती है। अब वो टीआरपी जो है पल्लवी पुरी को कह सकते हैं शो में अच्छे ले जाने के लिए, कहीं ना कहीं शो की अच्छी ऊंचाइयों के लिए काफी अच्छा है इनका ये रोल। और पल्लवी पुरी के साथ नज़र आ रहे हैं शो में जो नागिन 3 शो है उसमें नज़र आ रही हैं सुरभि ज्योति, और टीआरपी के मामले में ये शो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो इन सभी में से बेस्ट अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कौन बेस्ट रॉकस्टार है जिन्होंने अपने करेक्टर को बखूबी तरीके से निभाया और कहीं ना कहीं फैंस जो है उन्हें पसंद करते हैं एज अ रॉक स्टार, उनके हाथ में गिटार हो और उनके कह सकते हैं उनके जो गाने हैं वो कहीं ना कहीं फैंस के दिलों पर छूते हुए नजर आते हैं। चलिए एक बार और रिकॉल करवा देते हैं सारे नाम। सबसे पहले हमने बताया करण पटेल कस्तूरी में नजर आए थे एज अ रॉक स्टार, काफ़ी फेम पाया। वहीं दूसरी तरफ करण कुंद्रा, जी हाँ ये कहाँ आ गए हम, बहुत ही बेहतरीन शो रहा इसमें उन्होंने बड़ा ही बेहतरीन रोल प्ले किया। थर्ड नंबर पे हमने बात करी पार्थ की, जी हाँ पार्थ समाधान जो कैसी है यारिया में नजर आए थे और इन दिनों नजर आ रहे हैं कसौटी जिंदगी सीजन 2 में एज अनुराग।
नेक्स्ट है ऋत्विक अरोड़ा। कलर्स टीवी के पॉपुलर शो तू आशिकी में उन्होंने रॉकस्टार का रोल प्ले किया, काफी बेहतरीन रहा यह शो। फिलहाल शो बंद हो चुका है लेकिन इन्हें काफी ज्यादा पसंद किया गया, इनके साथ जन्नत नजर आई, बहुत ही बेहतरीन जोड़ी रही। तो वहीं लास्ट हमारे दो थे जिनमें बहुत सारा कॉम्पिटिशन, सबीर और परवी पूरी के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है। आपको क्या लगता है इन सभी में से टॉप टू में किसका नाम आना चाहिए जो कि एज अ रॉक स्टार जिन्होंने काफी धमाल मचाया है और आज भी मचाते हुए आ रहे हैं? जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के जरिए अपना फेवरेट रॉक स्टार टीवी इंडस्ट्री में जो कि बहुत ही धमाल मचाते हुए नजर आया है। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे खास प्रोग्राम के साथ, लेकिन उससे पहले हमारे इस वीडियो को जरूर आप लाइक एंड शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही।